ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंतणम नमो सीदाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्साणम येशु पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानंद सब्वे सिम पद्मम हवि मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूरि भद्राद्य जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे आम्रतलसे लाभितना भंडार श्री गुरु गौतम समनिये वांछित फल दाता नवदान क्रियाशील तपस्या आगे सूर्य लगा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरंधानम ज्ञानाय जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद के साथ में दान होता है। कल हमने बात की थी जो पांच मैंने बताए दान के पांच भूषण, उसमें लास्ट वाले दो बहुत महत्वपूर्ण थे, एक आनंद के अश्रु के साथ और एक रोमांचित होने के साथ। जो पांच भूषण की बात की उसमें अंत वाले दो थे, वही इसका शायद यहां रिपीटेशन समझ लिए, वही बात यहां बता रहे। आनंद के साथ में सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दान देने से आनंद मिलता है, आपको दान देने से बहुत मजा आती है, आपको लगता है कि नहीं निश्चित मुझे दान देना ही है, देना ही है, देना ही है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देते हो, वो आनंद के साथ में होता है। रिक्वायरमेंट है तो दुनिया देती है, लेकिन विदाउट रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि नहीं मुझे देकर पुण्य कमाना है, मुझे देकर पुण्य की प्राप्ति करनी है, मुझे पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करना है, और उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं तो देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा, क्योंकि देने से मेरा पुण्य बढ़ता है, देने से मेरा पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ते जाता है। जरूरत है वहां जरूर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे देने में आनंद आता है। मैं आपको बताऊं, आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हो और दर्शन करके आप जैसे ही रिटर्न होते हो, वहां पर एक गुल्लक रखा हुआ होता है, भंडार जिसे हम कहते हैं गुल्लक कहते हैं। अब वहां पे जो आप दान देते हो ना, वहां भगवान को कुछ रिक्वायरमेंट है भाई। आप चाहे 10 की नोट डालो, चाहे 1 रुपया डालो, चाहे 100 रुपया डालो, चाहे 1000 डालो, चाहे 1,00,000 डालो, भगवान को कुछ रिक्वायरमेंट है? कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम वहां क्यों देते हैं? आनंद से देते हैं कि नहीं मेरे प्रभु है, मेरे उपकारी परमात्मा है, मेरे उपकारी परमात्मा है, और वह उपकारी परमात्मा के उपकार मेरे पर अधिक है, और उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप आपकी शक्ति के अनुसार 1 रुपया देते हो, 100 देते हो, 1000 देते हो, 1,00,000 देते हो। अरे हमने संखेश्वर में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ठेला भर के पैसा लेकर आते और भंडार में डाल देते, ना कुछ रसीद चाहिए, ना कुछ नाम चाहिए, कहीं पर हमारा नामो निशान नहीं चाहिए, 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए ऐसे डालते हुए हमने देखे। आप राजस्थान में देखना चाहते हो तो नाकोड़ा चले जाओ, नाकोड़ा में आप देखोगे। मैं तो दर्शन नहीं किए नाकोड़ा के, लेकिन गुरुदेव कई बार हमें बोलते हैं कि नाकोड़ा में ऐसी परंपरा पहले थी आज भी है कि लोग ठेले के ठेले भर के पैसे छोड़ के चले जाते, ये नाकोड़ा भैरव जी के हैं, उनकी श्रद्धा के हैं, उनके भाग के हैं, उनके हमने पार्टनरशिप रखी थी उसके पैसे है, और गिनने नहीं है, ना नाम चाहिए, ना रसीद चाहिए, कहाँ डालेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद के साथ में चाहे संखेश्वर चले जाओ, चाहे पालीताना चले जाओ, चाहे नाकोड़ा चले जाओ, ऐसे ऐसे तीर्थ हमारे यहाँ पर है जहाँ पर लोग आनंद से दान देते हैं। जरूरत नहीं है नाकोड़ा भैरव जी को, आप 1 रुपया नहीं दो, लेकिन उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्यों देते हैं? आनंद के लिए देते हैं। आप गुरु भगवान के वंदन करने जाते हो, और हमारे यहाँ पर लिखा गया है कि देव गुरु और धर्म के पास जाते तो खाली हाथ श्रावक वापस नहीं आता है, वहाँ कुछ ना कुछ देकर जरूर आता है। तो हमारे यहाँ एक परंपरा तपागत परंपरा में एक परंपरा है कि गुरु भगवान के वंदन करने के लिए जाते वहाँ पे गुरु पूजन की या तो थाली होती है, या तो पेटी होती है, या तो भंडार होता है, कुछ भी होता है, जो संघ की व्यवस्था उस हिसाब से होता है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ जरूर गुरु पूजन डालते हो। उसका अर्थ क्या है? वहाँ जरूरत नहीं है, महाराज साहब को क्या जरूरत पैसे की भाई, जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपका आनंद है कि नहीं मेरे उपकारी गुरुदेव है, मैं उनके लिए तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन जितनी बार जाता हूँ कुछ ना कुछ भंडार में जरूर डालकर आता हूँ, चाहे वो रुपया ही हो, चाहे वो 10 रुपया ही हो, चाहे 5 रुपया ही हो, कुछ भी हो, लेकिन डालने की देने की भावना होती है, वह आनंद वाला दान है।
जहां सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे देव की बात हो, चाहे गुरु की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, आपको पता है शासन में आप दान दोगे या नहीं दोगे, शासन के काम तो होने वाले ही है, आपके एक के रुकने से कोई रुकने वाले नहीं है, आप नहीं दो तो भी आपके काम या शासन के संघ के काम होने वाले ही है, लेकिन वहां पर हम क्यों देते हैं, आनंद से देते हैं कि चलो यह मेरा धर्म है, यह मेरा संघ है, यह संघ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आराधना करने की सुविधा मुझे दी है, दर्शन करने की सुविधा मुझे दी है, मैं यहां शांति से बैठकर आराधना साधना कर सकता हूं, मेरे आत्म का कल्याण कर सकता हूं, और इसलिए आनंद के साथ में आप वहां पर भी दान देते हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो आनंद के साथ दिया हुआ दान होता है ना, वो एक का एक करोड़ बनने में देर नहीं लगती, वहां आनंद प्रधान है। आपको जहां जहां पर भी दान देते आनंद आता हो ना, जहां जहां पर भी, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे वो कोई गरीब भिखारी भी क्यों ना हो, चाहे वो देव परमात्मा का भंडार क्यों ना हो, कोई सी भी जगह हो, आपको जहां जहां दान देते आनंद आता है ना, वो चालू रखना, उसको बंद नहीं करना। चाहे भले आपको लगे कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको आनंद आता है ना, आपको रोमांच होता है, आपको आनंद आता है, और आनंद के साथ में यदि आप दान करोगे ना, निश्चित वह दान आपका सक्सेस बन जाएगा, निश्चित वह दान आपका सफल बन जाएगा। इसीलिए कहा कि नंबर वन अहंकार के लिए नहीं करना, नंबर टू आग्रह के लिए दान नहीं करना, नंबर थ्री अधिकता है इसके लिए दान नहीं करना, लेकिन किसके लिए करना, क्योंकि आनंद के साथ में करना। और यदि आनंद के साथ में दान कर देते तो बेड़ा पार होने में देर नहीं लगती। आपको पता है हमारे शास्त्रों में बात आती है, आप त्रिषष्ठी सलाह का पुरुष चरित्र पढ़ोगे, या हम परिसर में कल्प सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर का चरित्र पढ़ेंगे, तब आप देखोगे जब जब भी प्रभु का पारणा होता है, और जो जो व्यक्ति पारणा करवाते हैं वहां पे पंच दिव्य प्रकट होते हैं, लाखों करोड़ों सोना मोहर की वृष्टि होती है। क्यों होता है? दान तो दुनिया में कई होते हैं, लेकिन जब जब भी प्रभु का पारणा होता है, प्रभु का ऐसा एक विशेषण है, प्रभु की ऐसी एक विशेषता है, जहां जहां पर भी प्रभु पारणा करते हैं और वहां पर पंच दिव्य की प्रकटीकरण होता है, लाखों करोड़ों सोना मोहर का दृष्टि होती वृष्टि होती है, वहां पर नीचे गिरते आकाश में से, क्यों होता है? क्योंकि वह आनंद के साथ में होता है, और आनंद के साथ में दिया हुआ दान, अरे प्रभु मेरे घर पर आए हैं, मैं प्रभु को कुछ ना कुछ बहरा रहा हूं, प्रभु को मैं पारणा करवा रहा हूं, चाहे वो श्रेयांश कुमार हो, चाहे वो चंदन वाला हो, जिस जिसने भी आनंद के साथ में दान दिया उसका पार हो गया। याद करो परमात्मा ऋषभदेव को, श्रेयांश कुमार को, क्या आनंद के साथ में, क्या अहोभाव के साथ में, क्या एक अंतर के उमंग के साथ में प्रभु को दान दिया, चाहे वो सुपात्र दान ही क्यों ना था, लेकिन प्रभु को दान दिया, और दान दिया तो ऐसा दिया, आज लाखों करोड़ों पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी आज हम श्रेयांश कुमार को याद करते कि नहीं करते, क्योंकि आनंद के साथ में दिया हुआ दान था। अरे परमात्मा को बहराया था क्या? वस्तु कुछ नहीं थी, क्या बहराया था परमात्मा को? इक्षु रस। आपने शायद गुरु भगवंत को हजारों बार बहरा दिया होगा, शायद उससे महंगी महंगी चीज आपने बहरा दी होंगी, लेकिन भावों की यहां प्रधानता है, हमारे जिन शास्त्र में द्रव्य की कुछ प्रधानता नहीं है, मात्र इक्षु रस बहराने के कारण हम आज भी कई सालों बाद श्रेयांश कुमार को आज भी याद करते हैं, क्योंकि आनंद था, आनंद के साथ में दिया हुआ दान आपको तो याद रहता है, इतिहास जरूर याद रखता है, और बिना आनंद के दिया हुआ दान न आपके काम आता है, न शासन के काम आता है, न सामने वाले के काम आता है, न इतिहास के काम आता है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दान देना है तो आनंद से दो, वो अंदर में आनंद आ जाएगा ना, फिर दान देने की जो मजा है, फिर आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार दान दिया तो सार्थक हो गया। हमें दान सार्थक बनाना है, हम दान तो दे देते हैं, आप लोग दान तो कर देते हो, लेकिन वो दान सार्थक नहीं बनता, और इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आनंद के साथ देने की कोशिश करो, अहंकार नहीं चाहिए, अधिकता के लिए नहीं देना है, आग्रह के लिए नहीं देना है, लेकिन आनंद के साथ देना है। और पांचवी और अंतिम बात बता दी, आदर के साथ देना है, विथ रिस्पेक्ट, चाहे हम किसी को भी दान दे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट, बिना रिस्पेक्ट हम किसी को दान नहीं देंगे, ड्यू टू रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट हम दान करेंगे, बिना रिस्पेक्ट हम दान नहीं करेंगे। मैं अब आपको यह पूछना चाहता हूँ, एवरेज आपके दान की देख लेना, ये पांच में से कौन सी चीज अवेलेबल है, पांच में से कौन सी चीज एब्सेंट है। एवरेज आपने आज तक लाखों रुपए के दान किए होंगे, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे लाइव रूप से सुन रहे हो, चाहे बैठ के सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, एवरेज देख लेना, एवरेज कि मैं साल में इतना दान करता हूँ, इतनी तरह दान करता हूँ, इतनी बार दान करता हूँ, लेकिन मेरी एवरेज क्या है? कभी कहीं मेरा दान अहंकार की पुष्टि के लिए तो नहीं है ना, कहीं कहीं मेरा दान आग्रह के लिए तो नहीं है ना, कहीं कहीं मेरा दान वस्तु की अधिकता के लिए तो नहीं है ना, कहीं कहीं मेरा दान आनंद के लिए है कि नहीं है, मेरा दान आदर भाव के साथ में है कि नहीं है। और यदि ये पाँच चीज़ों को हम देख कर कहें, शास्त्रकार भगवत ने बताया कि दान के पाँच रीजन, एक एंगल से ये भी हो सकते हैं। अब दान के क्षेत्र में अंतिम बात शुरू करते हैं, उसके बाद में दान का टॉपिक हम समाप्त करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे सील की ओर। पांच चीज बताई थी लोकप्रियता के क्षेत्र में, यह लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, दूसरे नंबर में
परलोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, तीसरे नंबर में दान। दान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने काल पांच भूषण की बात की थी, इसी तरह से पांच दूषण की बात शुरू करते हैं जो आपके दान को कोड़ी का बना देते हैं। ये तो एक एंगल से हमने देख ही लिया, अहंकार के साथ, आग्रह के साथ, अधिकता के साथ। लेकिन और एक एंगल हमारे शांति श्री सूजी महाराज साहब ने बताया कि दान के पांच दूषण कौन से हो सकते हैं, और वह पांच दूषण में सबसे पहला दूषण बताया अनादर। अनादर, आदर नहीं उसको बोलते हैं अनादर। जैसे हमने पांचवें नंबर में समझा कि आदर के साथ दान देना, लेकिन अब मैं आपको यह उसकी नेगेटिविटी बताना चाहता हूं कि यदि अनादर के साथ दान देते तो होता क्या है। आदर के साथ दान देना ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आप ये समझ लो कि यदि हमारा दान अनादर के साथ होता है तो तकलीफ कौन सी खड़ी हो जाती है हमारे लिए। ये पांच दूषण है दान के, और उस पांच दूषण में सबसे पहला दूषण है अनादर के साथ में दान देना। एक चिड़चिड़ेपन के साथ में आपके भीतर जरा भी आनंद नहीं है, आपके भीतर जरा भी उत्साह नहीं है, अंदर से चिड़चिड़ापन है, जरा भी बहुमान नहीं है। और फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप देख लो कि कहीं ऐसा दान तो हम नहीं देते। अहमदाबाद में गुरु भगवान विराजमान थे, और गुरु भगवान के पास में कोई व्यक्ति आया मांगने वाला, चाहे साधार्मिक था, जरूरतमंद था। उसने बता दिया, दो चार सरावक बाजू में बैठे हुए थे, उसने बता दिया, गुरु भगवान बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। और हमारे यहाँ एक परंपरा है, चाहे हमारे पास कोई भी आए, हम तो पैसे रखते नहीं, क्या करते हैं, आसपास में जो भी या कोई ट्रस्टी बैठा हो या तो कोई श्रावक बैठा हो, हमको लगे कि नहीं ये सुखी संपन्न है, ये 200-500 हजार 2000 रुपए दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो गुरु भगवान उसको प्रेरणा करते हैं, भाई इनको जरा देख लेना। और वो चार पांच श्रावक बैठे हुए थे, वो जरूरतमंद व्यक्ति आया, गुरु भगवान को विनती की, और विनती करने के बाद में जो दो तीन श्रावक बैठे थे गुरु भगवान ने उनके सामने देख लिया, वो इशारा समझ गए कि गुरु भगवान क्या कहना चाहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट 2000 रुपए की थी, इशारे को वो समझ गए कि गुरु भगवान कहना चाहते हैं कि आप जरा उनकी व्यवस्था कर दो। और दो तीन व्यक्ति जो बैठे थे उसमें से एक भाई ने बता दिया कि जो जरूरतमंद व्यक्ति था उसको बता दिया कि आप नीचे बैठो, हमारा सबको मिलकर नीचे आते हैं और नीचे आकर आपकी व्यवस्था कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, अनादर जब मन में आता है तो होता क्या है। महाराज साहब के सामने तो हाँ बोल दी कि आप नीचे बैठो, हम व्यवस्था कर देते हैं। दोनों चले गए, वो व्यक्ति भी नीचे उतर गया, दो पांच मिनट बातचीत करके जो भाई थे जिसने हाँ बोली थी कि मैं पैसे दे दूंगा, आप टेंशन ना करें, वो गुरु भगवान को जाते जाते फिर से एक बार गुरु भगवान ने याद करवा दिया कि वो नीचे बंदा बैठा है, उसको जरा देख लेना। नहीं महाराज साहब, आप चिंता ना करो, मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। दोनों चले गए, पीछे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन छुपता छुपता हुआ, और जरूरतमंद व्यक्ति महाराज साहब के पास आया, गुरु भगवान के पास, और आकर रोने लग गया। कोई नहीं था, गुरु भगवान अकेले बैठे हुए थे, वो देखकर आया था कोई है कि नहीं है। गुरु भगवान अकेले बैठे हुए थे, आकर रोने लग गया। गुरु भगवान ने कहा, हुआ क्या, क्यों रो रहा है भाई तू? उसने कहा, महाराज साहब कल आपने जो भाई को बोला था ना पैसे देने के लिए, वो यहां से मुझे नीचे बैठने को बताया कि आप नीचे बैठो, मैं आता हूं। वो दो पांच मिनट के बाद में आपसे मिलकर नीचे आए, और नीचे आने के बाद में कहा कि आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको लेकर जाता हूँ घर पे। महाराज साहब मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा करके दोनों दरवाजे बंद किए, आगे ड्राइवर बैठा हुआ था, महाराज साहब चार थप्पड़ मारी मेरे गाल पर और कह दिया कि तुझे पता नहीं चलता है महाराज साहब के पास मांगने आ जाता है, दूसरी बार इधर दिखा है तो तेरे पैर तोड़। ये है अनादर। क्या आपकी मानसिकता महाराज साहब के पास तो कहते कि नहीं महाराज साहब मैं कर दूंगा क्योंकि महाराज साहब को अच्छा लगे, महाराज साहब को लगे कि नहीं आप उनकी बात सुनते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन जैसे नीचे उतरते हो आपके भाव बिगड़ जाते हैं, आपको लगता है क्यों देना, किस तरह से देना, क्यों मुझे, मेरे को क्यों देने की जरूरत है, और आपके मन में जो भाव उठते हैं ना उसको अनादर कहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पहले दिन से आपको यही बता रहा हूं, नहीं देना है स्पष्ट ना बोल दो, नहीं होगा महाराज साहब हमारे से पॉसिबल नहीं है। कौन आपको आग्रह करता है, कौन आपको प्रेशर करता है, कौन आपके जेब में से, आपके वॉलेट में से, आपके पॉकेट में से पैसा कौन निकालने वाला है, कोई निकालने वाला।
लेकिन यह अनादर आपको बहुत भारी पड़ सकता है। एक चीज समझ लेना, यह अनादर, आज आप किसी का अनादर करते हो, कल आपकी पता नहीं न करे परमात्मा, और ऐसी परिस्थिति आ गई ना, कोई हाथ पकड़ने वाला जीवन में मिलेगा नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि दान का सबसे पहला दूषण है अनादर। और एक चीज आपको बता दो, चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, चाहे जंगल हो, ज्यादा से ज्यादा पंखी वहां पर ही आते हैं जहां फल ज्यादा हो। जो वृक्ष बड़ा है, जहां फल ज्यादा है वहीं पर ज्यादा पंखी बैठते हैं, जहां वृक्ष बड़ा नहीं है, जहां फल ज्यादा नहीं है वहां पर ज्यादा पंखी नहीं बैठते। तो शास्त्रकार भगवान हमें यही बताते हैं, और यदि तेरे पास है तो लोग तेरे पास ही मांगेंगे, और किसके पास मांगेंगे? यदि तेरे पास है और जरूरतमंद व्यक्ति तेरे पास नहीं मांगेगा तो कहां मांगेगा? वो कहां जाकर अपना हाथ फैलाएगा? बड़ा वृक्ष है, फल है, वहीं पर पंखी जाएंगे, वरना पंखी जाएंगे कहां? उसको आसरा कौन देगा? अरे कुछ ना कुछ तो तेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, तुझे कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ना कोई तेरे सहारे में, कोई ना कोई तेरी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। तो यदि और किसी की तकलीफ में, तो तेरा वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन और किसी के लिए काम में नहीं आता है, तो बड़ा वृक्ष निरर्थक है, वो ज्यादा फल वाला वृक्ष भी निरर्थक है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कल्पना कर ली कि वृक्ष चाहे कितना बड़ा हो लेकिन पंखी वहीं पर ही आएंगे, क्योंकि फल वहां पे ज्यादा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे अपने आप को पुण्यशाली भाग्यशाली समझना, कि कोई हमारी हालत यह नहीं है कि हमारे हाथ किसी के सामने हमें फैलाने पड़ते हैं। हमारी हालत तो यह है, हमारा हाथ तो ऐसे रहता है, हमें ऐसा हाथ नहीं करना पड़ता है। हर रोज जाके परमात्मा की एक धन्यवाद करना कि प्रभु आपने कभी मुझे ऐसा नहीं करने दिया, हमेशा मुझे ऐसा ही रखा, आपका परम धन्यवाद है। आज दुनिया में लोगों की हालत देखो, आपको पता चलेगी। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।